किंचित देता आत्मा अंश नहीं किंचित देता शरीर जो तत्वों से बना है, जो पदार्थों से निर्मित है, वो मेरी पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन आत्मा मेरी पकड़ में नहीं आ रही, तो क्या कह रहे हैं? जो यही तन अणु अंश समावै, जो यही तन अणु अंश समावै, विज्ञान पढ़ने वाले लोग भी बैठे हो, ध्यान दीजिए, ये शरीर अणु और परमाणुओं से बना है। इस शरीर के अंदर अणु और परमाणु विराजमान है, और अणु और परमाणु इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, शरीर नई ऊर्जा पैदा कर रहा है। क्यों? क्यों? जो यहो तन अणु अंश समावे, जो यहो तनु अणु अंश समावे, प्रति क्षण जो ऊर्जा उपर जावे, चाहता हूँ कि सिद्धार्थ ने बोध गया में क्या महसूस किया, क्या उन्होंने ज्ञान पाया, तो तुम्हें बहुत बार हमने भी सुनाया कि सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, ये केवल चार लाइनों तक में आप तक भेजना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। जब सिद्धार्थ यह समझ पाए कि अणुओं का खेल इस शरीर में चल रहा है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, इसलिए नित्य नई ऊर्जा पैदा हो रही है, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? नहीं कोई फिर तो सिर जनहारा, नहीं कोई फिर तो सिर जनहारा, खीर को खाया तो नाराज होकर चले गए, सोच रहे हैं क्या
कसया ढोग रचा जग माही, प्रखर समाधिधर लय अभिज्ञान विज्ञान, बहु पहिने पर था सुगत दो नाही दिखान, न कहीं आत्मा दिखाई पड़ी और ना ईश्वर दिखाई पड़ा। जो चाहा सब दीख जग, विचार कर रहे बैठे अकेले, कोई दूसरा नहीं है वहां। जो चाहा सब दीख जग, सत्य असत्य विचार, कौने कारण होई कहां देखा सुगत निहार, किस कारण क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आज सिद्धार्थ गौतम ने हर चीज को देखा, लेकिन ईश्वर और आत्मा दो चीजें कहीं पकड़ में नहीं आई। सुगत चारी सप्ताह भर, चार सप्ताह यानी 28 दिन, सुगत चारी सप्ताह भर सम्यक कीन्हा ध्यान, 7 दिवस जो अंत के पाया सम्यक ज्ञान। जो 28 दिन अंतिम चरण की साधना थी, जो 28 दिन अंतिम 7 वर्षों के चरण की समय सीमा थी, वो 28 दिनों में जो 7 दिन आखिरी के थे, 21 दिन छोड़ करके उन 7वें दिनों के अंतिम दिवस में सिद्धार्थ राजकुमार को बोधि का लाभ हुआ, उनके अंदर बुद्धत्व जागा। प्रथम पाई संबोधि के मध्य या भयो दीव चक्षु अभिज्ञान विज्ञान। मैंने कई बार कथा में सुनाया तो बुद्ध के वैज्ञानिक थे, अणु परमाणु ये विज्ञान के हिस्से हैं। इनको अपने जीवन में सिद्धार्थ गौतम ने समझा, जाना, कहां कहां जन्म मरण मा देखा, कारण जन्म मरण फल पेखा, सारी चीजें पकड़ में आ रही, लेकिन आत्मा और ईश्वर कहीं पकड़ में नहीं आ रहा। बुद्ध ने अंतिम शब्दों के रूप में अपनी ध्यान साधना में बता दिया, नहीं कोई जग का सृजनहारा, इस संसार का कोई करता, इस संसार का कोई रचना करने वाला, इस संसार का कोई बनाने वाला नहीं है। भगन हुआ ग्रह शिखर मुक्त भया सुचित मन, कैसे करें उपाय नाई अब भटको जन मन। वही बोध गया में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। वैसाख पूर्णिमा मंगल जोई भल विधि शुद्ध, जन जन हित करुणा लिए भय तथागत बुद्ध। भय सुगत जस बुद्ध बप्पु आभा भई अनूप, आभा मंडल उभय भा अनुपम सुंदर रूप। बुद्ध के अंदर 32 महालक्षण थे। महापुरुषों के लक्षण अलग होते हैं, आम लोगों से वो अलग होते हैं, साधारण नहीं होते, असाधारण होते हैं। और एक बात बता दूं, धन्य हुआ स्थान सुगत ध्यान जहां लाए, वो स्थान भी धन्य हो गया जहां उन्होंने ध्यान समाधि का काम किया था। समाधि का मतलब किसी का जप जाप नहीं करना, समाधि का मतलब हम अपने चित्त को, अपने मन को एक जगह पर केंद्रित करें, यह समाधि का मतलब होता है। धन्य हुआ स्थान सुगत ध्यान जहां लाए, वज्रासन विख्यात भा सब जग शीश नवाए। ये जो वज्रासन लोग लगाते हैं योग में, इसको सिद्धार्थ गौतम ने जन्म दिया था। ये योग की जो विद्या है, तमाम जो योग गुरु बने घूम रहे हैं,
ये योग की विद्या बुद्ध ने पैदा की थी। हम तुम्हें एक बार कई बार बार जो है बताया करते हैं कि बुद्ध से लोगों ने सब चुराया है। ये योग की विद्या बुद्ध ने शुरू की थी। ये अनुलोम विलोम जो करते हैं ना, इसको बुद्ध ने शुरू किया था। जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं, इसको बुद्ध ने पाली भाषा में कहा आना पाना सती। आना पाना सती, क्योंकि आना जाना, तो इसको आना पाना सती बुद्ध ने कहा। अब कोई कहता है कि उन्होंने पैदा किया, उन्होंने पैदा किया। ये योग की शिक्षा बुद्ध के भिक्षुओं ने सीखी बुद्ध के बाद, और उनके पास रह करके तमाम लोगों ने सीखा। इतिहास लिखने वाले लोगों ने उसको गमन कर दिया, लेकिन जो पाली के प्राचीन ग्रंथ हैं, पाली के जो पुराने ग्रंथ हैं, उनमें आज भी उल्लेख मिलता है आना पाना शक्ति का। पीपल बोधि ब्रज भा जाकी लीनी छाए, पीपल बोधि ब्रज भा, उसके पहले पीपल था, ये बोधि ब्रज नहीं था। जब तक सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने तब तक ये पीपल खाली पीपल था, लेकिन पीपल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में क्या बन गया? बोधि ब्रज। बोधि ब्रज क्यों बना? क्योंकि बोधि का मतलब ज्ञान, ब्रज का मतलब पेड़। जिस पेड़ के नीचे ज्ञान उदित हुआ वही बोधि ब्रज बना। पीपल बोधि ब्रज भा जाकी लीनी छाए, बोधि ब्रज जग पूजहिं सादर शीश नवाए। आज भी लोग विदेश के आते हैं तो एक पीपल का पत्ता हमारे देश से तोड़ करके ले जाते हैं और अपने लोगों को दिखाते हैं, भाइयों ये पीपल का पत्ता कोई मामूली पत्र नहीं है, ये बोधि ब्रज का पत्ता है। लोक भये भिनसार जसु भरे नवरे रंग, गौतम काया सुमुख भल शोभित सारायंग। दो लाइन अंतिम और सुनते चलिए, आज पीपल के पत्र तोड़ने लोग कहां आते हैं। दो लाइन अंतिम सुनेंगे फिर आप लोग वंदना करेंगे। सारनाथ विख्यात जगत में, जंगल तो तब भी थे और अब भी दानन का मतलब होता है जंगल। तो दुनिया में जंगल तो बड़े हैं बहनों माताओं, लेकिन ये लुम्बिनी का जंगल धन्य हो गया। क्यों? अधन लुम्बिनी दानन बन में, धन लुम्बिनी दानन बन
अपनी मान्यता लेकर सब आते हैं। विश्व के बोध करे यहाँ पूजा। और मेरी बहनों ये अंतिम लाइनों में सुन लीजिए, वो पीपल का पेड़, वो पीपल का वृक्ष आज बोधि वृक्ष बन गया, क्योंकि अपनी जिंदगी के जो वर्ष वहां बिताए और जो पीपल के पेड़ के नीचे 28 दिन लगातार बिताए, जिन 28 दिनों में अंतिम 7 दिनों में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कहना पड़ा कर्मफल के सिद्धांत। कल चर्चा का समापन कार्यक्रम है। माताओं बहनों से, परिवार और समाज की बेटियों से पुनः मैं अपनी तरफ से आग्रह